Hello students, how are you? Today we are going to learn science standard 3rd. So students, उस दिन हमने our body का first part देखा था, आज ये second part है, okay? जो fourth number का lesson से our body, उसके आगे का parts हम अभी देखेंगे. तो चलिए अब हम देखेंगे breathing systems, okay? जो हम air inhale exhale करते हैं. Are you aware of air you take in through your nose? Where does the air go? हम क्या करते हैं जब इनहेल करते हैं ऐसे अंदर सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन जो एयर हमारे अंदर जाती है तो कहाँ जाती है. कभी आपने सोचा है कैन वी सर्वाइव विदाउट दैट एयर? क्या हम हवा के बिना एयर के बिना जीवित रह सकते हैं? नो यू कैन नॉट, नहीं हम नहीं रह सकते. दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नोज लंग्स एक्सेट्रा. इट इज थ्रू दिस सिस्टम दैट द वेरियस पार्ट ऑफ अवर बॉडी रिसीव ऑक्सीजन यानी एयर. एयर में से ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीजन बर्न्स द फूड वी गेट एंड गिव अस एनर्जी. तो क्या होता है जब हम अंदर हवा लेते हैं, हवा यानी एयर में से हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं जो हमें जीवित रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है. तो स्टूडेंट उस टाइम पे हमारे लंग्स और नोज वर्क करते हैं, जो अंदर ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन जो फूड को बर्निंग कर देता है, ओके, और उसे ऑक्सीजन से हम जीवित रहते हैं. बाद में बर्निंग होने से जो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ देते हैं, उसे कहते हैं ब्रीथिंग सिस्टम्स. ओके, एयर एंटर्स अवर बॉडी थ्रू अवर नोज. द हेयर इन द नोज फिल्टर डस्ट एंड जर्म्स. तो हमारे बॉडी के में जो हम नोज से बाहर एयर लेते हैं तो जो नोज में प्रेजेंट होते हेयर उससे हमारी जो हवा लेते हैं हवा फिल्टर हो जाती है, डस्ट और जर्म से चिपक जाती है और अच्छी हवा मिलती है, हमें अच्छा ऑक्सीजन मिलता है. ब्रीथिंग प्यूरिफाइज अवर ब्लड एंड गिव अस एनर्जी टू डू वेरियस वर्क्स. और ब्रीथिंग से हम क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी प्यूरिफाइज हो जाती है और हमें काम करने में एनर्जी मिलती है. ओके, नेक्स्ट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम्स. यहाँ पे देख सकते हो आप, कैन एनी मशीन्स वर्क विदाउट एनी फ्यूल? फूड इज अ फ्यूल फॉर अवर बॉडी. तो स्टूडेंट्स आपने कभी देखा है कौन सी भी मशीन होगी जो इलेक्ट्रॉनिक चलती है इलेक्ट्रिक पे, तो मशीन जो है विदाउट फ्यूल यानी ईंधन के बिना, पेट्रोल डीजल के बिना चलती है क्या? नो. वैसे हमारी बॉडी जो है, हमारे बॉडी को भी फ्यूल्स यानी फूड जो हम खाते हैं, हमारा अन्न जो होता है खाना, वो हमारे बॉडी का क्या है, फ्यूल है, ईंधन है, इस पे हमारी बॉडी चलती है. बट वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड व्हेन इट इज प्रॉपरली डाइजेस्टेड इन द अवर बॉडी. पर अगर हम खाना खाते हैं पर अच्छे से हमारे पेट में वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो पचन नहीं हुआ, तो हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के रोग हो जाते हैं, या हम सिकनेस फील करते हैं, या कभी हमें गैस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है. ठीक है, डाइजेशन इज द चेंजिंग ऑफ फूड इनटू ए सिंपलर सोल्यूबल फॉर्म्स. तो डाइजेशन के पचन प्रक्रिया वो क्या करते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें कुछ ऐसे सोल्यूबल इसमें फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देती है. द ऑर्गन सिस्टम्स व्हिच कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो उसमें जो भी ऑर्गन्स काम करते हैं डाइजेशन होने के लिए, तो सभी सिस्टम्स को कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स. इट कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गन लाइक अ माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस. तो उसमें जो काम करने वाले ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी के, वो है माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और लार्ज इंटेस्टाइन, और साथ में जो है एनस रहता है, जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचता है फूड का, वो एनस से बाहर निकल जाता है. एज वी च्यू फूड इन ए माउथ मिक्सेस विद सलाइवा एंड मेक्स द फूड सॉफ्ट. तो हम जब भी क्या करते हैं, चबाते हैं खाना, तो हमारे माउथ में जो सलाइवा यानी लार देते हैं उसे प्रेजेंट होती है, वो फूड में मिक्स हो जाती है और उससे फूड सॉफ्ट बन जाता है. देन इट्स मूव टू द स्टमक. फिर वहां से स्टमक में चला जाता है. द स्टमक कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव जूस आफ्टर गेट द फूड थ्रू द ब्लड. तो जो फूड हम खाते हैं उसमें हमारे मुंह में जो सलाइवा प्रेजेंट होती है उसमें मिक्स हो जाती है, तो फूड जो है सॉफ्ट बन जाता है, फिर हम उसे अंदर ले लेते हैं. पेट में बहुत सारे फूड जूस होते हैं जो उसमें डाइजेशन टाइम पे मिक्स हो जाते हैं. ठीक है, फिर मिक्स होने के बाद जो है कि उसमें से जो है आफ्टर दैट फूड थ्रू द ब्लड, ब्लड में फूड जाने से पहले वो क्या हो जाते हैं, वहां पे मिक्स होते हैं. द ब्लड वेन्स ट्रांसफर इनटू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और उसमें से जो ब्लड तैयार हो जाते हैं, तो ब्लड जो है हमारे बॉडी के अदर पार्ट को प्रोवाइड हो जाता है. देन द अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स द लार्ज इंटेस्टाइन्स एंड फाइनली
ejected in the form of a waste material or feces out of the body through the anus. तो उसमें जो अनडाइजेस्टेड जो डाइजेस्ट हो जाता है फूड, उसका ब्लड बनता है, जो अनडाइजेस्टेड उसमें से जो बचा हुआ रहता है, ठीक है, तो एनस के माध्यम से, फीसेस यानी टॉयलेट, टॉयलेट के माध्यम से वो लैटरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम. द ऑर्गन सिस्टम विच सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम. जो सर्कुलेटरी सिस्टम रहते हैं उसमें जो ऑर्गन्स रहते हैं हमारे बॉडी में क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, ब्लड को इधर उधर पहुंचाते हैं, उसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम्स. द सर्कुलेटरी सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गन लाइक अ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बॉडी का हार्ट, वो क्या करता है पंपिंग करता है, ठीक है, और ब्लड को जो है ब्लड को पंपिंग करने के बाद इधर उधर जो वेसल्स रहती है बॉडी के पार्ट्स को ब्लड प्रोवाइड करती है. द हार्ट पंप्स ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द नंबर्स ऑफ ए ब्लड वेसल्स. तो उसमें ब्लड वेसल्स रहती है, उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर उधर जो है कि प्रोवाइड हो जाता है. नेक्स्ट देखेंगे हम स्केलेटल सिस्टम्स. यहाँ पे देख सकते हो स्केलेटन है, ठीक है. द ऑर्गन सिस्टम विच गिव द शेप टू द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटल सिस्टम. ऐसे ऑर्गन का सिस्टम होता है हमारे बॉडी को शेप देता है प्रॉपरली, उसे कहते हैं स्केलेटन. बोन्स का बना रहता है. दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 206 बोन. इसमें टोटली 206 बोन्स होते हैं. द बोन गिव्स द स्ट्रेंथ एंड शेप टू द बॉडी. जो बोन्स होते हैं हमारे बॉडी में क्या देते हैं, शेप और एक स्ट्रेंथ देती है, ताकत देती है. कैन वी इमेजिन वॉकिंग, रनिंग एंड स्टैंडिंग विदाउट द बोन्स. अगर हमारे बॉडी में बोन्स नहीं रहेंगे तो क्या हम खड़े रह सकते हैं, क्या हम दौड़ सकते हैं, क्या हम चल सकते हैं, नहीं. वो सभी पॉसिबल हो जाता है स्केलेटन के द्वारा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम्स. कैसे कहते हैं, मसल सपोर्ट बोन्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. जो बॉडी में हम मूवमेंट्स करते हैं, जैसे कि देखिए मैं हैंड से यहाँ पे हिला रही हूँ, तो इसमें जो है कि बोन्स तो है सपोर्ट के लिए, बट मसल्स भी होती है. मसल्स और बोन्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन होके इन दोनों के सपोर्ट से हम मूव कर सकते हैं. एक्सक्रीटरी सिस्टम्स किसे कहते हैं, दिस इज द वाइटल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. ये हमारे बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम्स होती है. इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. दिस ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द किडनीज, किड्स एंड लंग्स. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स यानी बाहर जो है हमें जो पदार्थ नहीं चाहिए, जो पार्ट हमें नहीं चाहिए, ठीक है, जो वेस्टेड है वो बाहर निकलने का काम एक्सक्रीटरी सिस्टम्स करते हैं. जैसे कि किडनी, किडनी से क्या होता है यूरिन फिल्टर हो जाता है, ओके, तो उसमें से यूरिन बाहर निकल जाती है. स्किन, स्किन से स्वेटिंग होती है, जो पसीना बाहर निकलता है, ओके, और लंग्स, लंग्स से क्या करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं. ओके, द किडनी रिमूव वेस्ट थ्रू द यूरिन. ओके, यू किडनी क्या करती है, वेस्ट निकाल देती है यूरिन से, स्किन स्वेटिंग करते हैं एंड लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है. ओके, नर्वस सिस्टम्स. ऑर्गन्स लाइक अ ब्रेन, स्पाइनल एंड नर्व्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम. दिस सिस्टम कंट्रोल ऑल बॉडी एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. तो देखिए जहां पे ब्रेन है, स्पाइनल एंड नर्व्स से, ठीक है, एक तीनों को कहते हैं नर्वस सिस्टम. इसमें क्या होता है, जैसे कि कंट्रोल करते हैं बॉडी, हमारा ब्रेन जो है हमारी बॉडी की सब एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं. जैसे कि अगर मेरे हाथ को कुछ छुपा तो मुझे तुरंत पता चलता है, जो नर्व सिस्टम रहती है यहाँ पे जाती है और उसे बताती है, मैसेज देती है कि मुझे यहाँ पे कुछ छुपा है, तो डायरेक्टली ब्रेन जो है उसको फिर से एक मैसेज देता है कि हाथ मुझे पीछे लेना है. तो ये कंट्रोल करने का काम करती है नर्वस सिस्टम. उसमें जो होते हैं ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है और नर्व्स होते हैं, ये तीनों मिलके ये काम करते हैं. ओके, उसके जरिए हम क्या करते हैं, वॉकिंग करते हैं. अभी मैं बात कर रही हूँ तो मुझे पता है कि कौन सी बात करनी है, तो मेरा ब्रेन मुझे कमांड दे रहा है कि नहीं अजी तुझे अभी ये बात करनी है, इसके बाद ये समझा रहा है, तो ऑटोमेटिकली चालू रहता है. ये किसी की सहायता से होते हैं तीनों, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स. दिस सिस्टम हेल्प अस टू रिप्रोड्यूस अवर यंग जो वंस होते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो मम्मी रहती है, मम्मी से बेबीज होता है, ठीक है, कैट होते हैं, कैट से किटन्स होते हैं, यानी हम हमारे तरह दूसरा यंग वंस तैयार करते हैं उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन. ओके, तो हमारे इसमें ही वो जीवित जो लोग रहते हैं यानी जो लिविंग थिंग्स है, ह्यूमन बींग्स है और एनिमल्स, वो क्या करते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं. ओके
स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है इन ब्रीफ में दिया हुआ है मैंने जो आपको सिखाया है पार्ट वन पार्ट टू में, तो ये शॉर्टली यहाँ पे समरीज में दिया है, तो आपको ये अच्छे से रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो मैंने आपको अवर बॉडी इसका सेकंड पार्ट सिखाया है, ये वीडियो आपको अच्छे से देखना है, अंडरस्टैंड कर लेना है। देन यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, तो हम अभी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो वो एक्सरसाइज जो है आपके साइंस के नोटबुक में आपको राइट डाउन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज में पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो उसके हमें आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ। व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के मेन पार्ट्स कौन से है, यहाँ पे हमें आंसर्स लिखना है स्टूडेंट्स। तो आपको आंसर्स में लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन में, द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर हेड, उसमें है माउथ नोज आईज फोरहेड चीक्स ईयर्स एंड चिन, सेकंड नेक, थर्ड ट्रंक चेस्ट एंड एब्डोमेन, फोर्थ है आर्म्स, उसमें है शोल्डर अपर आर्म एल्बो फोर आर्म रिस्ट पाम एंड फिंगर्स, और फिफ्थ नंबर का है लेग्स, जिसमें होते हैं हिप्स थाई नीज शिंस एंकल एंड टोज। ये क्या है हमारे बॉडी के पार्ट्स है। व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ एन आर्म, आर्म के कौन से मेन पार्ट्स है, तो आपको वहां पे लिखना है द मेन पार्ट्स ऑफ एन आर्म्स शोल्डर अपर आर्म एल्बो फोर आर्म रिस्ट पाम्स एंड फिंगर आर द मेन पार्ट ऑफ एन आर्म। ओके थर्ड, राइट द नेम्स ऑफ द फाइव सेंस ऑर्गन्स, फाइव सेंस ऑर्गन्स में हमें नाम लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो वहां पे जो है आपको लिखना है द फाइव सेंस ऑर्गन्स आर आईज ईयर नोज टंग एंड स्किन। ओके नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रीथिंग सिस्टम्स, ब्रीथिंग सिस्टम्स का कौन सा रोल है, तो वहां पे जो है आपको लिखना है स्टूडेंट्स, इन ब्रीथिंग सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ ए नोज लंग्स एक्सेट्रा, इट इज थ्रू दिस सिस्टम दैट द वेरियस पार्ट ऑफ अवर बॉडी रिसीव ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। ओके नेक्स्ट, हाउ डज द डायजेस्टिव सिस्टम फंक्शन, जो डायजेस्टिव सिस्टम है उसका फंक्शन है, उसका कार्य हमें लिखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है किस तरह से काम करता है, तो आपको वहां पे लिखना है स्टूडेंट्स, वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड वेयर इट इज अ प्रॉपरली डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, डाइजेशन इज चेंजिंग ऑफ फूड इनटू अ सिंपल सोल्युबल फॉर्म्स, द ऑर्गन सिस्टम विच कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम्स। ओके नेक्स्ट है, डिफाइन द फॉलोइंग, यहाँ पे हमें फर्स्ट दिया है सेंस ऑर्गन्स, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, सेकंड है हार्ट, सेंस ऑर्गन्स किसे कहते हैं, तो स्टूडेंट्स वहां पे जो आपको लिखना है अवर आईज ईयर्स नोज टंग एंड स्किन आर द सेंस ऑर्गन विद द हेल्प अस टू सी हियर स्मेल टेस्ट एंड टच रिस्पेक्टिवली। ओके नेक्स्ट हार्ट, तो वहां पे हार्ट में हमें लिखना है द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए ऑर्गन लाइक हार्ट ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, द हार्ट पंप्स ब्लड एंड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया है डॉग सिमिलर 206 नर्वस सिस्टम सेल्स। ओके तो ये जो है आपको अच्छे से रीड करना है, देन जो क्वेश्चंस पूछे गए वहां पे फिल अप करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखेंगे अभी, ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव ब्लैंकेस बॉडी पार्ट्स। ओके तो वहां पे आपको लिखना है सिमिलर बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट, ऑर्गन्स हेल्प अस टू नो अबाउट द वर्ल्ड, तो सेंस ऑर्गन्स यहाँ पे सेंस चाहिए। नेक्स्ट, ब्लैंकेस कैट्स एंड एंट्स हैव फाइव सेंस ऑफ स्मेल, तो यहाँ पे डॉग। ओके डॉग एंड कैट्स एंड हैंड हैव अ फाइव सेंस ऑफ स्मेल। नेक्स्ट, द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। ओके फिफ्थ नंबर है द ब्लैंकेस कंट्रोल्स ऑल आवर बॉडी एक्शंस नर्वस सिस्टम, तो यहाँ पे फिफ्थ में लिखना है द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल आवर बॉडी एक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने एक्सरसाइज देखी है, तो एक्सरसाइज जो है आपको साइंस के नोटबुक में राइट डाउन करनी है स्टूडेंट्स।
ये वीडियो आपको अच्छे से देखना है, अंडरस्टैंड कर लेना है और देन एक्सरसाइज सॉल्व करके उसके फोटोज मुझे सेंड करनी है। उससे पहले ये लेसन आपको अच्छे से रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई स्टॉप हियर। थैंक यू।